हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सभी जितने भी चैप्टर थे हमने एंड किया है, समाप्त किया है। तो आज से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कोआर्डिनेटिक ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये आपके डॉक्टर मनोहर रे की बुक में, जो सर हैं डॉक्टर मनोहर रे, इसमें अध्याय 7 चैप्टर 7 मेंशन है। ओके बच्चों, तो आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उसको आज हम बताएंगे इस क्लास में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो बच्चों देखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास 9th पढ़े होंगे, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़े होंगे। ये क्लास 9th में बच्चों अवेलेबल है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्लास 9th के बेस से कुछ समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं आज देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें निर्देशांकों का बात होता है। निर्देशांकों का मतलब, इसमें आप ध्यान समझिएगा, इसमें एक यक्स अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है मोटी मोटा, यानी एक वाई अक्ष होता है। इस एक्स अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, भुज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज, इंग्लिश में एक्स एक्सिज बोलते हैं, एक्स एक्सिज। ओके, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पॉइंटों का बात होता है, तो उसमें क्या होता है, एक हमारा जो क्षैतिज होता है, एक जो होता है ऊर्ध्वाधर, उनमें दोनों चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो क्या है बच्चों, इसमें जो एक्स अक्ष है, देखिए इसको हमने अभी बता दिया, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसके बाद देखो इधर क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। देखो एक्स अक्ष यहाँ से, देखो एक्स से एक्स डैश तक होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि इधर इधर जो है कोई भी पॉइंट है, इसको हम धनात्मक में लिखेंगे, अगर इधर कोई पॉइंट है तो इसको हम ऋणात्मक लिखेंगे। देखो प्रश्न कैसे आता है, हम प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए, मान लो एक क्वेश्चन है, देखो एक हमारा एक क्वेश्चन है, तो अब इसको हम लिख देते हैं 5 और 7। तो ये पॉइंट है बिंदु 5.7 को निर्देशांक कार्तीय तल पर, इसको बोलते हैं कार्तीय तल पर व्यक्त करो। देखिए बच्चों, आप लोग कक्षा 10 के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम हाई लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम कार्तीय तल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम उसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपको हाई लेवल से बता रहे हैं, तो समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि बिंदु 5.7 को निर्देशांक कार्तीय तल पर व्यक्त करो, मतलब दिखाओ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमेशा आप लोग जानते रहिएगा, ये वाला तो हमारा होता है भुज, क्या होता है बच्चों, भुज, इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुज। ओके बच्चों, तो अब हम कह दें कि इसको निर्देशांक ज्यामिति पर दर्शाइए। तो देखिए हम हमेशा एक कार्तीय तल ऐसे बना लेंगे, कार्तीय तल पे दर्शाना है तो हमेशा क्या करना है, इसको कार्तीय तल हमेशा ऐसे बना लेंगे। और आप लोग हमेशा जानते रहिएगा कि ये एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। जो ऊर्ध्वाधर रहेगा बच्चों वो हमारा वाई अक्ष होगा, जो क्षैतिज रहेगा वो हमारा एक्स अक्ष होता है। आप देख रहे होंगे इसमें कि एक्स इधर भी है और एक्स डैश इधर भी है, कहने के सेंस से हुआ कि देखो एक्स की तरफ जो हिस्सा रहेगा वो धनात्मक होता है, धनात्मक दिशा है। आप लोग अभी इसको जानते रहिए, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे समझ जाएंगे। ये क्या होता है, धनात्मक दिशा होता है, और इधर एक्स डैश की तरफ क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है ऋणात्मक दिशा होता है। ओके बच्चों, अब देखिए ये ऊपर की तरफ जो होता है वाई अक्ष में, ये हमारा धनात्मक दिशा होता है, और नीचे की तरफ जो वाई अक्ष में होता है ये ऋणात्मक दिशा होता है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो ये सब आप लोग जानते रहिएगा। तो देखिए, देखो 5 और 7, तो देखो इसके सामने माइनस नहीं लगा है, दोनों के सामने, इसका मतलब यह होगा, देखो मैं लिखा हूँ प्रथम चतुर्थांश को बोलते हैं, ये देखो एक क्वार्टर है एक प्रकार से, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ओके, अब प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, बीच में कॉमा हमेशा लगा होता है,
तो बच्चों क्या होता है, इसमें दोनों प्लस होते हैं। दोनों प्लस मतलब जैसे 5 के आगे माइनस नहीं है और 7 के आगे भी माइनस नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह पॉइंट इस चतुर्थांश में वैरी करेगा, मतलब इसमें ही कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो यदि हम इसको हम बनाते हैं, अगर इसको हम व्यक्त करें तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो x पे पहला भुज होता है, भुज किसको बोलते हैं, x अक्ष को, किसको बोलते हैं, x अक्ष को। तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, तो 5 है तो 5 पॉइंट बराबर बराबर इक्वल रहना चाहिए, ऐसे डॉटेड बना लेंगे 5, देखो 1 2 3 4 5, मतलब हमारा यहाँ 5 होगा x अक्ष पे, ये 5 हो गया, ठीक है बच्चों। और फिर 7 क्या है, अब 7 हमारा वाई पे है, तो यहाँ पर बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7, और y अक्ष पे भी क्या करेंगे बच्चों, 7 डॉटेड, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर 7 डॉटेड खींच देंगे बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों को रफली मिलाएंगे, ठीक है, अब मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमारा बच्चों, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट मतलब काटेंगे वही हमारा ए पॉइंट हो जाता है बच्चों। 5 यहाँ पर लिख देंगे 5 7, ओके बच्चों 5, 7, तो ए बिंदु यहाँ पर है, मतलब 5 7 हमारा किस में है, पहले चतुर्थांश में है, ए कौन सा है, देखो यहाँ प्रथम चतुर्थांश है, ओके बच्चों, तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश में व्यक्त कर लेंगे इस प्रकार से, ओके बच्चों। तो आप सीख गए ये कि किसी भी बिंदु को कार्तीय तल पर कैसे व्यक्त करते हैं, ओके बच्चों, यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो जहाँ पर ये दोनों चतुर्थांश काटते हैं, दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर काटते हैं बीच में, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है, 0 0, मतलब ना तो वहाँ पर एक्स का कोई डिस्टेंस है ना तो वाई का डिस्टेंस है, इसलिए क्या है बच्चों, 0 0 है, ओके। तो इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा इसको हम समझा दिए हैं, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज जगह जगह होगा, जैसे प्लस प्लस हुआ तो भाई माइनस प्लस वाला सिखाएंगे, माइनस माइनस सिखाएंगे और प्लस माइनस सिखाएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ओके बच्चों, ओके। इसको हम मिटाते हैं, देखिए बच्चों, देखिए इसको हम नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसका जरूरत बार बार होगा, तो आप लोग यदि ये चीज रहेगा बोर्ड पे तो मैं इससे रिलेट करके क्वेश्चनों को समझाता रहूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं और उसको समझाता हूं बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, बिंदु -8, 6 को कार्तीय तल पर दर्शाओ या व्यक्त करो, बात एक ही होता है, दर्शाओ। देखिए बच्चों, आप देखेंगे पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, लेकिन आप इसमें एक नया चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे बच्चों, इसमें देख रहे होंगे कि ये जो हमारा भुज है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, और हमारा जो कोटि है वो पॉजिटिव है, मतलब इसके सामने 6 के सामने कोई सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक कोटि क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, और हमारा ये भुज क्या है बच्चों, नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, ओके बच्चों। इसी चीज को हम दर्शाएंगे, और किसी भी पॉइंट को कार्तीय तल पे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, रफली एक कार्तीय तल बना लेते हैं। देखिए बच्चों, साधारण रूप से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ओके, लुक हियर स्टूडेंट, इधर देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, और दिस इज वाई एक्सिस, ये क्या बच्चों, इसको बोलते हैं वाई एच। तो देखिए इसको क्या करेंगे बच्चों, देखो ये नेगेटिव में है -8, तो हम इसको इस पे जो एक्स पे है, पहला हमारा कोटि ही होता, सॉरी भुज ही होता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसको इंडिकेट करेंगे, देखिए 8 है तो सेम 8 डॉटेड खींचेंगे, 4 5 6 7 8, ओके बच्चों। और वाई कितना है बच्चों, सॉरी इसमें नहीं होगा, देखो थोड़ा सा यही बच्चों ध्यान देना है, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव किसमें इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ है इसलिए हम इसको नहीं मिटाए हैं, ओके। तो आप यहाँ मतलब राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड इसको ड्रा करेंगे 8 लाइन, ओके बच्चों। देखिए इस बात का ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इसमें क्या है, ये पॉजिटिव में ही है, तो हम क्या करेंगे वाई पे ही इसको दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों, इन दोनों को हम बोले हैं डायरेक्टली ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये है लास्ट वाला 8। ओके बच्चों, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, दोनों को ऐसे मिला देंगे। ये जहाँ दोनों काटेंगे, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जिस प्लेस पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट -8 and 6। ओके, दिस इज -8, 6 पॉइंट। ओके, तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट को कार्तीय तल पे व्यक्त कर सकती हो। तो हमने देखो अभी पहले चतुर्थांश का बता दिया, अब इसको बताया है, तो ये देखो द्वितीय चतुर्थांश में है, ऐसा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो कि तृतीय चतुर्थांश का हो। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों को बता रहे हैं, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और नया चीज बताएंगे। देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं, देखिए लिखते हैं, क्वेश्चन है बिंदु पी, मान लो ये क्या है 6 और -8 को कार्तीय तल पर दर्शाओ। क्या करना है बच्चों, इसको कार्तीय तल पे दर्शाना है बच्चों। ओके, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले जब हम कार्तीय तल पे दर्शाते हैं तो एक कार्तीय तल बना लेते हैं रफली। ओके बच्चों, तो हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज कार्तीय तल। ओके, अब हम जानते ही हैं, इसको बोलते हैं एक्स एच, इसको वाई एच, इसको वाई डैश, एक्स डैश। एक्स डैश मतलब देखो यहाँ मूल बिंदु होता है बीच में मूल बिंदु से नीचे आएंगे वाई में तो ऋणात्मक, मूल बिंदु से लेफ्ट जाएंगे एक्स पे तो ये भी ऋणात्मक होता है बच्चों। तो देखिए -6 है, तो -6 हमारा इधर मिलेगा, तो यहाँ पर 6 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। आप लोग कोशिश करना ये डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक। यहाँ पर लिखना 1 2 3 4 5, -6 रहेगा सर, -6 तो माइनस लगा देना गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा -6। अब देखिए हमारा कोटि भी जो है क्या है बच्चों, निगेटिव ही है, तो उसको हम क्या करेंगे वाई के ऋणात्मक दिशा में इसको व्यक्त करेंगे बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी क्या होगा -1 -2 -3 -4 6 -7 -8। ओके बच्चों, अब देखिए हमको ये पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से डॉटेड खींचेंगे और फिर यहाँ से डॉटेड खींचेंगे बच्चों। ओके, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा -6 and -8, दिस इज पॉइंट पी। ओके, यही हमारा क्या है पॉइंट पी। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव वाला भी आपको बता दिए कि अगर दोनों ऋणात्मक में है तो यह इस प्रकार से व्यक्त होगा। और ये किस चतुर्थांश में, ऐसा भी पूछ लिया। और ये बताओ, तथा ये बताओ, तथा ए भी ज्ञात करो कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ओके बच्चों, तो ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में होगा, किसमें, थर्ड, तृतीय चतुर्थांश। ओके बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो ये हमारा पच्चे वाला चैप्टर है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, अभी बुक से कुछ नहीं उठा रहा हूँ, तो अभी इसको थोड़ा समझाने के बाद फिर मैं बुक से जो चीज़ें हैं उसको बताऊँगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में है, आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। आप लोग को यदि याद कर ले +++ मतलब दोनों प्लस, ये दोनों प्लस हैं, भुज कोटि दोनों प्लस हैं, तो वो मिलेंगे प्रथम चतुर्थांश में, और भुज माइनस और कोटि प्लस है तो ये मिलेगा दूसरे चतुर्थांश में मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और दोनों माइनस हैं तो बच्चों ये मिलेगा तृतीय चतुर्थांश में, और ये पहला भुज प्लस है कोटि माइनस है बच्चों तो ये मिलेगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से देखो इसमें ये पूछ लिया, अब देखो मैं तीसरे का बता दिया हूँ, अब देखो चौथे का बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अलग है, सभी क्वेश्चन है हम ऐसे रेंडमली लिखवा दे रहे हैं,
तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से देखकर। तो देखिए बच्चों, अब एक हम इसमें क्या देते हैं, बिंदु पी जिसका निर्देशांक है 7-5 को कार्तीय तल पर व्यक्त करो एवं कार्तीय तल पर व्यक्त करो एवं क्या करिए, यह भी ज्ञात करो कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कार्तीय तल की बात आ जाए तो आप ऐसे एक क्रॉस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, ड्रॉ दिस क्रॉस एंड एक्स अक्ष दिस इज वाई अक्ष। ओके बच्चों, एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो अब जनरली देख लेते हैं, -7 है पहले, +7 है तो पहले में जाएगा, यहाँ पर धनात्मक होता है। देखो यहाँ लिखे हूँ, ये है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बच्चों, और दूसरा क्या है, -5, तो माइनस वाई पे है, हमारा कोटि क्या है, ऋणात्मक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें काम करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक तो हमने खींच दिया, लेकिन हमको कितना चाहिए, केवल 5 चाहिए, तो 5 से ही खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 सब होगा, लेकिन हमको जितना रहेगा वहाँ से ही हम डॉटेड खींचेंगे बच्चों। देखो यहाँ से डॉटेड ड्रॉ करिए, और 7 है कोटि भुज, तो हम 7 के सामने रोक के यहाँ दोनों को मिला देंगे। दिस इज हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों, 7-5, दिस इज 0.7, -5। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम पॉइंट को कार्तीय तल पे व्यक्त कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम मानते हैं कि आप यह सीख गए होंगे, क्योंकि चार क्वेश्चनों को मैं इसी टाइप का चार क्वेश्चनों को प्रत्येक चतुर्थांश में बताया, तो ये चतुर्थांश भी पूछा है, तो किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों ये कौन सा चतुर्थांश है, देखिए यहाँ से चतुर्थ चतुर्थांश, तो ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होगा। ये भी ज्ञात करना था ना कि किस चतुर्थांश में है, यह भी ज्ञात करिए। ओके बच्चों, तो इसको अब हम मिटाते हैं और एक नए टाइप के कुछ क्वेश्चनों को बताते हैं, सिखाते हैं आपको। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा आप लोग, जैसे कोई पॉइंट दे देगा, जैसे पॉइंट हम लिख रहे हैं, एग्जांपल ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति का एग्जांपल नंबर 1 है ये। ठीक, देखिए बच्चों क्या है, बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है, कितनी दूरी है ये ज्ञात करना है। देखो बिंदु है -3, 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो बच्चों इसको हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए, देखो एक फार्मूला टाइप लिख लो आप लोग, फार्मूला टाइप, मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ इसका, फार्मूला देखिए बच्चों, कोई पॉइंट हो जाए, मान लो एक्स वाई, ये कोई पॉइंट है, बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, देखिए बच्चों कोई भी ऐसा पॉइंट हो जाए और बोले एक्स अक्ष से दूरी, जब एक्स अक्ष से कहेंगे तो वाई हमारा आंसर हो जाएगा उसी का, इसी में का वाई हमारा कोटि आंसर हो जाएगा, जब एक्स का पूछेगा तो वाई एक्स अक्ष से पूछेगा, मतलब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, तो इसी का जो कोटि होगा वो उतना वही हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी। यदि पूछ ले वाई अक्ष से दूरी, बच्चों देखिए यदि यही पूछ ले वाई अक्ष से दूरी, तो हमारा एक्स हो जाएगा जस्ट अपोजिट। ओके बच्चों, तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए, हम कार्तीय तल पे देखा, मतलब इसको ड्रॉ करके भी आपको बता सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो इस फार्मूले से आप
तुरंत आंसर राइट कर दोगे, ये एक नंबर में आएगा, ऑप्शनल में आएगा, ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं और यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, 2020 में जस्ट आया हुआ है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर लिखते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा यक्ष अक्ष से दूरी तो कोटि होगा, ठीक है बच्चों, इसको कोटि भी लिख सकते हो, जब भुज से दूरी पूछे तो कोटि लिखना और जब कोटि से दूरी पूछे तो क्या लिखना, भुज लिखना, क्योंकि हमारा वाई कोटि होता है और यक्ष हमारा भुज होता है। तो देखिए बच्चों इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बिंदु लिखना है, बिंदु -3.4 का यक्ष अक्ष से दूरी, देखिए यक्ष अक्ष से है तो हमारा क्या लिखेंगे, कोटि, 4 यूनिट होगा, यूनिट मतलब इकाई, हिंदी में लिखेंगे इकाई, 4 इकाई दूरी होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इस चीज़ों को फिर से दुरुस्त और अच्छे से बताएंगे जिससे कि आप लोग को और समस्या ना हो। ओके बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, जिसको मिटाते हैं बच्चों, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए बच्चों अब ऐसा ही है बिल्कुल, तो एग्जांपल यही है, तो लिखते हैं बिंदु बिंदु 3.4 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। ओके बच्चों, तो हम क्या लिखवाएं अभी फार्मूला, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ ले तो यक्ष बड़ा होगा। ओके बच्चों, तो लिख देना आंसर में वाई अक्ष से बिंदु बिंदु 3.4 की दूरी बराबर 3 इकाई, क्या होगा बच्चों, 3 इकाई होगा। ओके बच्चों, थोड़ा सा हम इसको और इसमें कुछ और चीज़ बता देते हैं, यदि आपको ज़्यादा समझने की चेष्टा होगी तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इनको कार्तीय तल पे आप लोग इंडिकेट कर लेना, 3 है इस पर, भुज हमारा 3 है और कोटि क्या है, 4 है, 3 4, इनको मिलाइएगा, ठीक है बच्चों, अभी हमारा हो गया 3 और 4। ओके बच्चों, अब पूछा कि वाई अक्ष से दूरी, तो हमारा वाई अक्ष कौन सा है, ये है। ओके क्या है हमारी, हमारा क्या है, वाई अक्ष ए वाला है, 4 वाला, 3 और 4। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ से ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तभी दूरी पता चलेगा, तो देखिए 1 2 3, तो मतलब यहाँ से मूल बिंदु से अगर काउंट करें तो 3 इकाई जो है हमारा दूर पे है, देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो ऐसे ट्रेवल करेंगे तो यहाँ आएंगे। ओके देखिए बच्चों क्या आएंगे, 1 2 3, तो दिस इज 3 यूनिट, क्या बोलेंगे, 3 यूनिट या 3 इकाई बोल सकते हैं हिंदी में। ओके बच्चों, तो ऐसे आप जानते रहिएगा, समझना है तो समझ लीजिए ऐसे, क्योंकि मान लो 1 किमी चले, 2 किमी चले, फिर 3 किमी पहुंचते हैं तो इसके सामने ही हमारा ये पॉइंट मिलता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों। ओके तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हुए, इसको मिटाते हैं बच्चों। अब ये भी चीज आप समझ गए होंगे तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ पूरा बोर्ड, क्योंकि एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, तो उसको मैं स्टार्ट करूंगा और उसका इसमें 7A जो प्रश्नावली है सब उसी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो टॉपिक में बताने जा रहा हूँ उसी पर आधारित है। ओके बच्चों, तो इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए बच्चों, मैं जो टॉपिक अभी लिखूंगा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से आपको समझ भी आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, ये टॉपिक का नाम है, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू गिवेन पॉइंट्स। ओके बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवेन पॉइंट्स,
तो बच्चों इसको बहुत आराम से आप लोग समझिएगा, मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, मैं एक पॉइंट यहाँ है मान लो और एक पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट का वैल्यू मान लो x1 और y1 है। क्या बच्चों? x1 और y1 है। इसका वैल्यू कितना है बच्चों? x2 और y2। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, देखिए बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, हालांकि इसको हम बताएंगे फिगर से तो आपका उसमें कोई भी मीन्स नहीं होगा, जस्ट फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से छूट जाए। ओके बच्चों, तो देखिए दो पॉइंट है, जाहिर से बात सोचिए, थोड़ा सा थिंक करिए, दो पॉइंट है तो उसमें दो भुज भी होंगे और दो कोटि भी होंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि दो पॉइंट है तो उसमें दो भुज और दो कोटि होंगे, क्योंकि एक पॉइंट में हमेशा एक भुज होता है और एक कोटि होता है। दो पॉइंट है तो दो भुज और दो कोटि है, मतलब ए भी है। ओके बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है डी अंडर रूट, देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू, देखिए इसमें एक्स वन में से एक्स टू माइनस करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से राइट कर लो, मतलब लिख लो और याद करो। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तब पर भी कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। जैसे देखो x1 लिखिए, यहाँ पहले x1 लिखिए तो यहाँ भी y1 पहले लिखना पड़ेगा। यदि बुक में दिया है, कैसे दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ऐसे बुक में दिया है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी, चाहे ऊपर का आप लगाइए, केवल इस देखो प्लेसों को चेंज किया है। देखो x1 यहाँ है, x2 यहाँ, इसमें क्या है, x2 पहले है, x1 बाद में है, उसी प्रकार y1 पहले है इसमें, y2 बाद में है, लेकिन नीचे वाले में देखोगे तो y2 पहले और y1 बाद में है, बीच में माइनस है, तो इसमें समस्या कोई नहीं होगी, चाहे आप इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें। ओके बच्चों, क्योंकि जो भी अगर नेगेटिव में आता है तो स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, चाहे पॉजिटिव अगर तब पर भी स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव मतलब धनात्मक ही होगा। तो बच्चों तो इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, फिर भी यदि इस फार्मूले को आराम से आप मतलब याद कर लो, उसके बाद देखो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं मेरा यह आशा है कि आप लोग कोई समस्या होगी ही नहीं। ओके बच्चों, तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए बच्चों, देखिए दो पॉइंट हैं मान लो, तो मैं बुक से ही उठा लेता हूँ। देखिए पॉइंट हमारा है ये 5 0 और दूसरा पॉइंट है -12 और 0। ओके बच्चों, इन्हीं दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे हम बच्चों, बताएंगे कि इनके बीच की दूरी क्या है। ये पॉइंट है, ज्ञात करना है इनके बीच की दूरी। ओके बच्चों, तो सिंपल सा फार्मूला लगाइए। देखिए हमारा ये क्या होगा, x1 होगा, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा x1, ये हमारा y1 और क्या होगा ये x2 और y2। कहने के सेंस ये हुआ कि हमारा x1 बराबर 5 हो गया, y1 बराबर 0 और x2 बराबर -12 और y2 बराबर 0। ओके बच्चों, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल 5 या y1 इज इक्वल 0, फिर क्या लिखेंगे x2 इक्वल -12 और y2 इक्वल 0। ओके बच्चों, ओके तो ऐसे आप राइट करिए, फिर उसके बाद ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। इस फार्मूले को आराम से रखिए, नीचे वाले को रख लो चाहे ऊपर वाले को रख लो, कोई समस्या नहीं होगी। तो फार्मूला हमारा क्या है बच्चों, देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो -12 है, -12 और माइनस x1 क्या है बच्चों 5, देखिए x1 का मान कितना है 5 और x2 का मान -12, तो x1 का मान 5 रखेंगे यहाँ पर, ये दोनों का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। ओके देखिए सूत्र देखते रहिएगा आप लोग, इसको याद करिएगा जरूर। अब इसमें देखिए बच्चों y1 कितना है 0 और y2 क्या है बच्चों हमारा ये भी 0 है इसका स्क्वायर। अब हल कर लीजिएगा, देखिए माइनस कितना आएगा -17, -12 में -5 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ये हमारा 17, तो ऊपर स्क्वायर है बच्चों तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो -17 का स्क्वायर, तो देखेंगे तो -17 का स्क्वायर करेंगे 289
9 आएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा बच्चों 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 70 इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी को, आप मतलब स्क्वायर रूट तो जानते होंगे, वर्गमूल हिंदी में बोला जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा तो बच्चों, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 17। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से देखो मैं एक एग्जांपल इसको कंप्लीट किया इस फार्मूले पर, तो देखो मैं इसको मिटाता हूँ और एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं उसको मैं करवाऊँगा। ओके बच्चों, तो इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, देखिए मैं अपने से ही बना देता हूं। देखो क्वेश्चन लिखता हूं, बिंदु पी, पी का वैल्यू कितना है 5.3 तथा क्यू 6.2 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ज्ञात करना है बच्चों। ओके तो देखिए दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारा है P, क्या है बच्चों P, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों Q, तो P का वैल्यू कितना है 5.3 और Q का वैल्यू है 6.2, क्या बच्चों 6.2। अब इन्हीं के बीच हमको इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, तो फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा डी। देखिए अब इसमें हम करेंगे x1 माना हमारा 5 होगा पहला वाला, और y1 क्या होगा बच्चों 3 होगा, पहला वाला दोनों 1-1 होता है और दूसरा वाला क्या होता है 2-2। x2 हमारा क्या है बच्चों 6 है, और y2 क्या है बच्चों 2 है। ओके तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राइट कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे बच्चों। ओके तो आप फार्मूला इसमें लगाइए, सूत्र जो हमारा है, देखिए सूत्र है x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना है 6 और x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 5, देखिए x1 5 है x2 6 है होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या है y2 - y1, y2 हमारा कितना है 2 और y1 कितना है बच्चों 3 स्क्वायर, हल करिए तो ये होगा 1 का स्क्वायर, एक होगा ये -1 का स्क्वायर, लेकिन किसी भी चाहे धन हो चाहे ऋण हो किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो धनात्मक में ही आता है बच्चों, तो ये क्या होगा 1, ये भी 1, ये हमारा आंसर क्या होगा कड़ी में 2 इकाई। लास्ट में इकाई जरूर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं बार बार एक यूनिट में आएगा, चाहे वो आंसर दिया मतलब सेंटीमीटर में भी देता है ना, तो कोई भी यूनिट हो सकता है, तो हम इकाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैं जितने भी टॉपिक थे प्रश्नावली 7A के लिए, क्या है अध्याय चैप्टर चल रहा है तो इसमें प्रश्नावली भी चलेगा, तो अभी जितने भी टॉपिक थे 7A के लिए हमने इसमें इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप इस वीडियो को यदि अच्छे से देखते हैं तो आप आराम से 7A के प्रश्नों को कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो इसमें मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और अगला जो भी 7A का क्वेश्चन होगा मैं उसको क्रम वाइज करवाता ही हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में पूरा 7A का क्वेश्चन करवाऊंगा जितना हो सकेगा एक वीडियो में। ओके बच्चों, तो लास्ट में हमारा आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ये हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।